पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और समूचा हिमाचल प्रदेश शीतलहर की चपेट में आने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार 19 नवंबर तक मौसम खराब रहने की संभावना है। कि ये प्रकृति है, इसके साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। कभी हमारे समय में सर्दियों में बारिश चार चार दिन पाँच पाँच दिन लगातार चली रहती थी, लेकिन अब मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है और अब जो है तो हम देखते हैं कि बारिश के लिए तरसे रहते हैं लोग। कोई प्रभु के दरबार में चला हुआ है, कोई देवता के दरबार में चला हुआ है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये सब इंसान का किया हुआ है। पेड़ कट गए, चारों तरफ सीमेंट का जाल बिछा हुआ है, बिल्डिंगें सीमेंट की हो गई हैं, धरती जो है वो अपनी उष्मा जो है, गर्मी जो है वो बाहर नहीं निकाल पा रही है। ऊपर से जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो जमीन तक नहीं पहुंचती, क्योंकि चारों तरफ सीमेंट ही सीमेंट का जाल बिछा हुआ है। तो जब तक जमीन गर्म नहीं होगी, इससे भाप नहीं निकलेंगे, तब तक बारिश नहीं होगी और मौसम ऐसे का ऐसा रहेगा। सबको पता है कि साल में 6 ऋतु होती है और बारी बारी सब भी ऋतुओं का जो है आगमन होता है। अब सर्द ऋतु है तो हमको मेंटली जो अपने आप को तैयार करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि सर्द ऋतु तो हर वर्ष आती है। परंतु एक हम जरूर कहेंगे कि दिल्ली और जो यूपी के शहर है, वैसी स्थिति हिमाचल में ना बने, स्मॉग ना हो और धुआं धुई वगैरह जो है जो हमें फेस करनी पड़ती है, अगर ये क्या रिली हो जाती है तो अवश्य इससे इंसान के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि पहले ही इसके इंतजाम किए जाए ताकि ये स्मॉग वगैरह हम लोगों के लिए हानिकारक सिद्ध ना हो।